हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। जितना प्रोसेस आज हो पाएगा उतना हम सीखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि कहाँ तक हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। पहले हम मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, क्योंकि नॉर्मल जो ब्लाउज होता है ऑफ शोल्डर हमारा, जो यहाँ तक होता है हमारे शोल्डर से थोड़ा सा 1 इंच जितना नीचे तक आता है, तो बोट नेक टाइप हमारा नेक रहता है इसमें और शोल्डर हमारा ब्रॉड होता है। नॉर्मल ब्लाउज में क्या होता है कि हमारे शोल्डर पे, जैसे मैंने टी शर्ट को डाला है, नॉर्मल नेक होता है और यहाँ पे स्लीव्स को हम अटैच करते हैं। तो मेजरमेंट लेने का तरीका हमारा क्या होगा, बाकी सब तरीका हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि हम पहले बेसिक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। तो प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे हम लेंथ का, शोल्डर टू अपेक्स का, अपेक्स टू अपेक्स, लोअर चेस्ट, फुल लेंथ, प्रॉपर मेजरमेंट हम सारा लेंगे। उसमें जो एक मेजरमेंट हमारा ऐड होगा वो यहाँ से हम फिटिंग को चेक करेंगे कि हमें जो हमारे ऑफ शोल्डर की फिटिंग है वो हमारी कितनी है, तभी जो है हम यहाँ पे जो स्ट्रिप है हमारे शोल्डर के ऊपर जो स्ट्रिप आएगी उसको हम ऐड कर पाएंगे। पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं, फिर मैं ड्रॉइंग करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये मेजरमेंट क्यों लिया है और इसको हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे दो टाइप के ऑफ शोल्डर होते हैं। एक तो हम पैक नेक, यानी जो 3.5 या 4 इंच तक हम नेक ड्रॉ करते हैं, यानी मान लो ऊपर से, जैसे कि मेरी टी शर्ट है, ये 3.5 या 4 इंच तक ऐसे हम राउंड नेक रखेंगे तो ये पैक नेक में आ जाएगा, लेकिन उससे डीप रहेगा 5.5 या 6 इंचेस तक। तो उस वाले ऑफ शोल्डर में हमारा जो कटिंग होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑफ शोल्डर उसका मेजरमेंट लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे जब भी आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि मुझे ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाना है, तो आप उसको क्लियर करोगे कि आपको डीप नेक का ब्लाउज बनाना है या फिर आपको पैक नेक ऑफ शोल्डर बनाना है, यानी छोटे 3.5 से 4 इंच तक। 3.5 से 4 इंच तक अगर हम नेक बनाएंगे तो यहाँ पे हम 1.5 या 2 इंच जितना अगर पट्टी रखते हैं तो इजीली हमारा हाथ यहाँ तक ऊपर उठ जाता है, तो इतना कंफर्टेबल रहेगा हमारा ब्लाउज। उसके बाद अगर हम डीप नेक बनाते हैं, देखिए यहाँ तक अगर हम पैक बनाएंगे तो शोल्डर से ओनली 1 इंच जितना ही नीचे जाएगा हमारा स्ट्रिप। अगर हम डीप नेक बनाएंगे तो शोल्डर से ऑब्वियसली 1.5 से 2 इंच जितना नीचे जाएगा, यहाँ तक हमारा ब्लाउज गया और फिर यहाँ तक हमारी बेल्ट आई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं मेजरमेंट लेके दिखाऊंगी कि हमारा हाथ कितना ऊपर जाएगा, तो कितना कंफर्टेबल रहेगा और कितना नहीं रहेगा, ये आपको अपने कस्टमर को बताना है, तभी आपको ब्लाउज स्टिच करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सारी कंडीशन आपको बतानी है पहले, फिर उसको हम स्टिच करेंगे। उसको बताना है कि अगर हम नेक डीप कम करते हैं तो आप कितने कंफर्टेबल रहोगे, और नेक डीप ज्यादा रखते हैं तो कितने कंफर्टेबल रहेंगे। अभी मैं मेजरमेंट लेके बताऊंगी तो आपको क्लियर हो पाएगा कि हमारा हाथ कितना ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आज हम यहाँ पे पैक नेक का ऑफ शोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर 3.5 से 4 इंच तक हम नेक बनाएंगे तो ये देखिए, ये 3 इंच तक है, 3.5 से 4 इंच, यानी जो मेरा मैंने डाला हुआ है आउटफिट उससे 1 इंच जितना नीचे, और ये जो शोल्डर है मेरा, ये जो मेरा शोल्डर है इससे ओनली मैं 1 इंच जितना ही नीचे जाऊंगी, लेकिन मैंने मेजरमेंट लेके रखा है जिसका हम बना रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको मेजरमेंट का तरीका बताऊंगी। और यहाँ तक देखिए कि यहाँ तक ही हमारा नेक डीप रहेगा, तो ऐसे करके अगर हम इसमें इतना हाथ ऐसे देखिए इजीली ऊपर हमारा चले जाएगा कि बेल्ट हमारी ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, इसलिए हम यहाँ तक ये ऐसे फुल टाइट करके इसका मेजरमेंट लेंगे। और यहाँ पे नेक डीप का जब मेजरमेंट रहेगा तो हमारा ये जो देखिए यहां से 1.5 से 2 इंच जितना नीचे जाएगा, सेम ऐसे ही ये भी नीचे जाएगा। तो जब हम यहां से, जब हमारा देखिए बेल्ट स्लीव्स के ऊपर आएगा, यहाँ पे हम लूज तो रख नहीं सकते, अपनी बेल्ट को हम लूज नहीं रखेंगे तो हाथ को देखिए हम ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम डीप नेक बनाएंगे तो हमारी बेल्ट नीचे की तरफ आएगी, अगर पैक बनाएंगे 3.5 से 4 इंच जितना तो बेल्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और हाथ भी कंफर्टेबल रहेगा। और इसमें हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है या प्रिंसेस कट बनाना है वो भी हम देखेंगे कि किस कंडीशन में हम बना सकते हैं और किस कंडीशन में हम नहीं बना सकते। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे देखने के थे कि हमें ऑफ शोल्डर में किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आई होप कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, और उसके बाद ही आपको स्टिचिंग का स्टार्ट करना है। पहले हम ड्रॉइंग देखेंगे कि हम किस ब्लाउज में,
कि डीप नेक है या नहीं है, ऑफ शोल्डर पैक नेक है, हम किस कंडीशन में प्रिंसेस कट बना सकते हैं, या फिर हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, या फिर हमें वन डार्ट बनाना है। तो ये सारी चीजें भी अभी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद पहले मैं ड्राइंग करके आपको समझाऊंगी कि ये हमारा पैक नेक है और ये डीप नेक है, दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगी, फिर हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, और जो भी चैनल पे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो जल्दी से हम ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे देखिए अपना मेजरमेंट देखेंगे कि ऑफ शोल्डर ब्लाउज आज हम बना रहे हैं तो लेंथ 15 इंचेस रहेगी हमारी, शोल्डर 14 1/2, चेस्ट 32, वेस्ट 25, शोल्डर टू अपेक्स 9 1/2, अपेक्स टू अपेक्स 7, रेडी शोल्डर रहेगा हमारा 1 1/2 इंच जितना। यानी जो ये देखिए, जैसे मैंने ये राउंड लिया था तो यहाँ पे जो मेरे राउंड का मेजरमेंट है वो 33 है, और ये जो 1 1/2 इंच का रेडी शोल्डर जो मैं बता रही हूँ उसको जब मैं ड्रॉ करूंगी तब आपको बताऊंगी कि मैंने 1 1/2 इंचेस कहाँ तक रखा है। और नेक डीप जो हम रखेंगे, फ्रंट का हम 4 इंच रखेंगे और बैक का हम 3 1/2 इंचेस रखेंगे। क्लियर है ये सारे पॉइंट? उसके बाद अभी मैं आपको बेसिक ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बेसिक ब्लॉक जो रहेगा हमारा वो पैक नेक का कुछ इस टाइप का रहेगा। ये हमारा पैक नेक का ब्लॉक है, लेकिन हम यहाँ पे ऑफ शोल्डर बनाएंगे तो हमारा ऑफ शोल्डर यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। आप चाहें तो इस वाली पट्टी को, यानी ये जो मेजरमेंट मैंने राउंड में लिया है वो इस वाले पार्ट का लिया है जो हमारी स्लीव्स के ऊपर आएगा यहां तक, और आप चाहें तो इस वाली पट्टी को यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा अलग से कट करके भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ जॉइंट भी लगा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे अलग भी लगा सकते हैं, और इसको यहां से इतनी पट्टी को भी हम अलग से लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की डिजाइनिंग कर रहे हो। मैं आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूंगी कि कैसे इसको करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद ये हमारा पैक नेक का ब्लॉक है। अगर हम यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा मार्जिन है, यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट इजिली बन जाएगा। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे देखिए डीप नेक का ब्लॉक ड्रॉ करूंगी, जो हमारा डीप नेक का ब्लॉक रहेगा उसको मैंने किया तो हमारा नेक यहाँ पे देखिए डीप है तो ऑब्वियसली ये शोल्डर से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा और हमारा ये कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये जो पट्टी है हमारी ये भी नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे जब हम देखिए प्रिंसेस कट को यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो कहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ऐसे स्लीव्स के ये जो हमारी अलग से पट्टी है तो इसमें तो हम अटैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब भी हमारा डीप नेक होगा तो इस कंडीशन में हमें या तो हम शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पे ऐसे सॉरी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ले सकते हैं, हम यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट लेंगे या फिर हम इसमें वन डार्ट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी साइड की स्ट्रिप है वो डीप रहेगी तो जहां पे हमारी स्ट्रिप आएगी इसके सेंटर में यहाँ पे प्रिंसेस कट तो हम ऐसे ज्वाइंट कर नहीं सकते। अगर आपको इसको अलग से कट करना है तब भी यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस कंडीशन में हम यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट या फिर वन डार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि हम ब्लाउज में यहाँ पे सेंटर डार्ट ले लेते हैं। ये सारी कंडीशन में आपको क्लियर करूंगी कि प्रिंसेस कट शोल्डर टू अपेक्स या फिर वन डार्ट ना लेके हम यहाँ पे सेंटर डार्ट लेके और यहाँ पे बेल्ट को ऐड कर सकते हैं। आप 3 से 4 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे इसकी कटिंग कर सकते हो। उसके बाद रेड पेन से मैं यहाँ पे वो चीज ड्रॉ करूंगी जो हमारा यहाँ पे डार्ट रहेगा या फिर हम उसको कट करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बाकी ब्लैक पेन से मैं यहाँ पे जो मेन मार्किंग रहेगी उसको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, फ्रंट की साइड भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ताकि पता लगे कि हमें मार्क कहाँ से ड्रॉ करने हैं। जितना हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारा 14 1/2 इंचेस तो उसका हाफ आएगा 7.25। इस वाली लाइन से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, और ऑनफोल्ड साइड से हम 2 1/2 इंचेस ये भी सभी साइज के लिए हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे
और जो हमने ये 1 इंच जितना डाउन किया है इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अभी ये हमारा बैक पार्ट है, तो आपको जो कंफर्टेबल रहे, अगर आप फ्रंट पार्ट पहले ड्रॉ करना चाहते हो तो फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको बैक ड्रॉ करना है तो बैक ड्रॉ कर सकते हैं। बैक के लिए हम ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाली, यहां से हम लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ में +1 करना है, 1/2 इंच सिलाई का ऊपर और 1/2 इंच सिलाई का नीचे, यानी 16 इंचेस। लेंथ है हमारी 15 इंचेस, तो लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 16 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। इस वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट हमने ड्रॉ किया, उसके बाद अभी हमें अपने आर्म होल की लेंथ निकालनी है। तो नेक हमारे दोनों पैक हैं, तो हमें कैसे निकालनी है, 32 को डिवाइड करेंगे हम 6 से 5.3 प्लस करेंगे 1 इंच, 6.3 यानी 6.25 के ऊपर एक लाइन, 6.25 के ऊपर एक लाइन पे हमने मार्क किया। अभी ये जो हमें लाइन मिली है, ये हमें चेस्ट लाइन मिली है, इस वाली लाइन को हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अभी नेक हमारा पैक है, तो पैक जब भी रहेगा हमारा तो हमें 2.5 इंचेस का लूजिंग ऐड करना होता है चेस्ट में। तो 32 प्लस 2.5 करेंगे 34.5 डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे 8.6 यानी 8.5 इंचेस हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंचेस जितना मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्ट लाइन में हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, तो 25 है हमारी वेस्ट डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे 6.25 यानी 6 इंच के ऊपर दो लाइन, और यहाँ पे हम 1.5 इंचेस का मार्क करेंगे। अभी जो हमें लाइन मिली है फिटिंग वाली लाइन को हम फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाएंगे, और मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन वाली लाइन के साथ मिलाएंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्म होल है इसका हम यहाँ पे सेंटर करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जितना हमारा शोल्डर है उससे हम 1 इंच जितना अंदर की तरफ जाएंगे, 7.25 है तो 6.25 के ऊपर एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 6.75, ये हमने मार्क कैसे किया, जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम, जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच कम। अभी यहाँ पे हम देखिए ऐसे करके प्लस का एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो हमने नीचे की तरफ प्लस का मार्क किया है, यहाँ से हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे। और अगर आपका साइज 40 से कम है तो 0.75, 40 से प्लस है तो 1 इंच। अभी हम देखिए यहाँ पे स्केल को रखेंगे और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारी राउंड शेप हो गई। उसके बाद यहां से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ पे भी हम स्केल को रखेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। शेप हमारी फ्रंट और बैक की ड्रॉ हो गई है। फ्रंट बैक का शेप देने के बाद अभी हम ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, जब भी हमारा पैक नेक रहेगा हम यहाँ पे 1 इंच जितना ही डाउन जाएंगे। और अपने नेक की जो मैं यहाँ पे लेंथ रखूंगी वो मैं यहाँ पे 3.5 इंच जितनी रखूंगी। 3.5 का जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ पे देखिए जो मैंने 1 इंच डाउन किया है इस वाले मार्क के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ये हमने इसके साथ ऐसे मिलाया तो हमारा ये फ्रंट का शेप आ गया। फ्रंट का शेप आने के बाद अभी हम यहाँ पे देखिए ऑफ शोल्डर का मार्क करेंगे। अभी ये वाली लाइन जो है हमारी जितनी भी ऐसे क्रॉस जा रही है, ये वाली लाइन जितनी हमारी क्रॉस जाएगी, ये वाला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इस यहाँ पे हमें स्केल को ऐसे रखना है। अभी जितनी भी ऐसे क्रॉस जाएगी इसको जाने देना है, ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम सेम ऐसे ही जाने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा बैक का आर्म होल है। बैक का आर्म होल हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बैक पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जब हमारा फ्रंट पार्ट ड्रॉ हो जाएगा तब हम यहाँ पे इसको कैसे कट करना है वो देखेंगे।
और यहाँ पे हमारा नेक लूज ना रहे, यहाँ पे कैसे हमें माइनस करना है वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक हमारा फ्रंट बैक पार्ट था, बैक पार्ट के बाद अभी हम अपने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रंट की तरफ भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम जैसे हमने बैक में किया था सेम हम फ्रंट में ही करेंगे। फ्रंट और बैक का नेक मैं यहाँ पे सेम रखूंगी, जो मैंने 3.5 रखा था। हम यहाँ पे 4 इंच भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है। तो शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, सेम हम 7.25 लेंगे जो हमने बैक में लिया है। यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे और अनफोल्ड साइड से हम यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क करेंगे। अभी इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद अभी यहाँ पे देखिए नेक हमारा पैक है, तो 32 डिवाइड बाय 6 करेंगे, प्लस करेंगे 1 इंच, 6.3 यानी 6.25 के ऊपर एक लाइन, 6.25 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। ये हमें चेस्ट लाइन मिली है। और यहाँ पे देखिए कि हमारे जो चेस्ट लाइन मिली है वो हमारा नेक यहाँ पे पैक है फ्रंट वाली में, तो हम यहाँ पे चेस्ट में 2.5 का ही लूजिंग करेंगे। 32 प्लस 2.5 करेंगे, 32 प्लस 2.5 34.5 डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे, 6.8 यानी 6.5 इंचेस हम यहाँ पे लेंगे और 1.5 का हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमें आर्म होल मिला है इसका हम सबसे पहले यहाँ पे सेंटर करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और जितना हमारा ऊपर की तरफ है उससे हम 1 इंच कम यानी 6.25 लेंगे। ऊपर हमारा 7.25 है तो नीचे हमने 6.25 लिया, यहाँ पे हम 6.75 यानी शोल्डर से 1 इंच कम, शोल्डर से 1/2 इंच कम। अभी हम इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम शेप देंगे 0.75 का और कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे अपने आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। ये हमने अपना आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अभी सेम हम यहाँ पे देखिए ये जो हमें शोल्डर मिला है ये 2.5 के बाद इसका हम सेंटर करेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हम अपनी लेंथ पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक डीप नहीं है तो नेक में हमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। 15 इंचेस हमारी लेंथ है तो हम यहाँ पे 16 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम सारे मार्क अभी कर लेते हैं। शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 9.5 तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, 1/2 इंच सिलाई का हमारा ऊपर की तरफ। और अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7 इंचेस तो हम यहाँ पे 3.5 इंचेस लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच कम लेंगे। और जो हमारी डार्ट आएगी वो 35 साइज तक 2.5 इंचेस का आता है, तो साइज अभी हमारा 32 है तो हम यहाँ पे 2.5 का डार्ट लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग डार्ट हमारी अलग अलग आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने इस वाली डार्ट को ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद अभी जितनी हमारी वेस्ट है, वेस्ट मेरी 25 है, डिवाइड बाय हम इसको 4 करेंगे, 6.25। तो फ्रंट का भी हम चेक करेंगे, ये 3 इंच है तो यहाँ पे हम दूसरी डार्ट के पास 3 इंच को ऐसे मैच करेंगे और 6.25 पे हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच जितना मार्जिन लेंगे, फिटिंग की मेन लाइन को हम फिटिंग की मेन लाइन के साथ मिलाएंगे और मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन वाली लाइन के साथ मिलाएंगे। मिलाने के बाद अभी हमारा ऊपर भी आर्म होल में डार्ट आएगा। इस वाले साइज में देखिए जब हमारा वेस्ट में जितना भी डार्ट है उसका डार्ट हमारा हाफ आएगा, डार्ट का यानी हम हाफ कर देंगे। तो 2.5 का जो डार्ट रहेगा हमारा वो 1.25 रहेगा, यानी ये जो लाइन है इस वाली लाइन पे हम 1.25 को ऐसे रखेंगे और चेक करेंगे कि ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस करेगा। अभी हम इसका भी हाफ करेंगे 1.25 का, तो आएगा हमारा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। अभी हम ऊपर वाले मार्क के साथ ऊपर वाले मार्क को सेम मिलाएंगे और नीचे वाली लाइन को हम देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ अभी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यहां से 1/2 इंच जितना हम नीचे जाएंगे, 1/2 इंच जितना हम नीचे गए और यहां से हम 1.25 चेक करेंगे
ये देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, तो इसको हम दूसरी वाली लाइन को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लेके जाएंगे। ये हमने चेक किया, अभी हम फ्रंट वाली लाइन को चेक करेंगे। ये हमारी 5.75 है, तो दूसरी भी हमारी 5.75 होनी चाहिए। उसके बाद हम यहां से नीचे जाएंगे हाफ इंच जितना, हाफ इंच नीचे जाना सभी साइज के लिए कंपलसरी रहेगा। अभी हम देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन को देखिए, हम ऐसे नहीं मिलाएंगे, क्रॉस नहीं कर सकते स्केल को, तो हमें कैसे मिलाना है? ये वाली जो लाइन है हमारी बाहर वाली लाइन, ये वाला जो हमारा पॉइंट है स्केल का, इसके साथ हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे, यानी स्केल के ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। तो फिर इस वाले पॉइंट के साथ हमने मिलाया, ये वाला पॉइंट हमारा सेम ऐसे, यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिली। अभी हम देखिए ऊपर वाले पॉइंट को तो हमने मिला लिया है, लेकिन अगर हमारा स्केल यहाँ से ऐसे रहेगा तब भी स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे हमें किस पॉइंट को ध्यान रखना है कि यहाँ तक जितना गैप हमारा यहाँ पे है, तो सेम यहाँ पे भी हमारा ऐसे गैप रहना चाहिए। यानी ये वाला जो गैप है इस लाइन पे और ये जो स्केल की हमारी ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे हमारा गैप बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉक्स जो है हमारा वो इक्वल ड्रॉ होगा। उसके बाद अभी हम यहाँ पे एक नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया है, नया आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अभी आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंसेस का ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंसेस का ड्रॉ करूंगी और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट मैं ऐड करूंगी। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए ऊपर से मुझे 1 इंच जितना यहाँ पे डाउन जाना है, 1 इंच डाउन हम सभी साइज के लिए जाएंगे। और यहां से मैं अपने जो नेक डीप का मार्क करूंगी वो 3.5 इंचेस लूंगी। आप यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां से लूंगी क्योंकि यहाँ पे ये यह हमारा ऑफ शोल्डर रहेगा। तो अगर हम यहां से लें या फिर यहां से लें इक्वल ही रहेगा। आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हैं। 3.5 इंचेस हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पे ऐसे किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो 1 इंच हमने डाउन किया है, इस वाले मार्क को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। शेप हमने ड्रॉ किया। अभी ये जो लाइन जितनी यहाँ पे देखिए ऐसे क्रॉस जाएगी ऊपर की तरफ, ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको हम सेम ऐसे ही जाने देंगे। इसको हमने ऐसे ही ऊपर की तरफ जाने दिया। अभी नेक हमारा लूज ना रहे उसके लिए हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे नेक का राउंड था, मेरे नेक का राउंड यहाँ पे 33 था। अभी हम यहाँ पे देखिए ये मेरा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में तो हमारा कोई ओपनिंग नहीं आएगा। ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मेरी ओपनिंग है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अभी ये जो मेरा राउंड मिला है मुझे यहां से ये ऑफ शोल्डर का राउंड मिलेगा। अभी हम इस वाले राउंड को चेक करेंगे कि हमारा ये वाला राउंड यहाँ पे कितना आया है। यहां से मैं हाफ इंच जितना छोड़ दूंगी, पहले ही पहले हम चेक करेंगे इसको, लेकिन हाफ इंच जितना यहाँ पे छोड़ के इसको चेक करेंगे। ओनली हल्का सा एक पॉइंट देंगे यहाँ पे, देखिए हाफ इंच जितना मैंने छोड़ दिया। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हाफ हाफ इंच जितना एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सिलाई हमारा हाफ इंच नीचे ही आएगा। सेम ऐसे ही स्टिच मेरा हाफ इंच नीचे ऐसे भी आएगा। तो ऐसे मैंने यहाँ से हाफ इंच दूर कर लिया। अभी देखिए हमें यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस करना है, लेकिन अभी हमें यहाँ से भी चेक करना है। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये जो हमने आर्म होल की लाइन मिली है, इससे हम हाफ इंच जितना यहाँ पे ऐसे करके माइनस कर देंगे। यानी जो हमारा आर्म होल यहाँ पे माइनस होगा वो ऐसे रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट के साथ इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना पड़ेगा। ये हमारा आर्म होल यहाँ से ऐसे माइनस होगा, तो इस वाली लाइन को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी ऐसे करके। मैं इसको डार्क कर दूंगी क्योंकि ये हमारा यहाँ से हमने हाफ इंच जितना माइनस किया है, ताकि जो हमारा नेक है वो लूज ना रहे, यहाँ से हमारा नेक लूज ना रहे। अभी मैं आपको दोबारा से क्लियर करूंगी कि मैंने इसको कैसे माइनस किया है। ये जो हमारी लाइन है ऊपर वाली लाइन है, ये जो शोल्डर की ऊपर वाली लाइन हमने शेप ड्रॉ की, यहाँ से देखिए मैंने ऐसे इंची टेप को रखा और हाफ इंच यहाँ पे ऐसे माइनस किया। ये जो पॉइंट जहां पे क्रॉस करेगा इस वाली लाइन को, वहां तक, तो
तो फिर हमने स्केल की हेल्प से इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद अभी हम ऊपर से यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे, और ये जब हम कट कर देंगे इतना पॉइंट, तो स्टिच हमारा यहां से आएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी इसको थोड़ा हाफ इंच यानी सिलाई का यहाँ पे भी छोड़ देना है। उसके बाद अभी हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा कितना आया है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरा 6 इंचेस आया है, तो यहाँ पे ये मैंने फोल्ड किया हुआ है। जब हम फैब्रिक पे इसको डबल करके ऐसे खोलेंगे तो ये 12 इंचेस हो जाएगा, यानी फ्रंट का जो मेरा पार्ट है वो 12 इंचेस है। और अभी हम सेम ऐसे ही बैक के पार्ट को भी चेक करेंगे कि बैक का पार्ट मेरा यहाँ पे कितना आया है। अभी हमने देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको हमने चेक कर लिया, ये मेरा 12 इंचेस आया। अभी हम यहाँ पे अपने बैक के पार्ट को भी चेक करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पे शेप ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरी लाइन है, यहाँ से मैं हाफ हाफ इंच ड्रॉ करती जाऊंगी, यहाँ से हम हाफ इंच ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला पॉइंट है मेरा, इतना हम यहाँ से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अभी हम यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा, तो यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ से भी हमारा नीचे जाएगा, तब हम यहाँ पे नए वाला आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे करके ये इतना तो मेरा माइनस होगा ताकि हमारा नेक लूज ना रहे। अभी यहाँ से मुझे हाफ इंच और नीचे जाना है कि हमारी स्टिच आएगी यहाँ पे। उसके बाद अभी हम देखिए यहाँ से भी हमारी स्टिच आएगी, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे, जब हम देखिए शोल्डर से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, क्योंकि दोनों नेक हमारे पैक हैं, नीचे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ होगा, नया आर्म होल हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो मैंने अभी पहले ही ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा नया आर्म होल रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे करके वो क्रॉस जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से हाफ इंच तो नीचे ही जाना है, क्योंकि दोनों नेक हमारे पैक हैं, तो यहाँ से हमारा हाफ इंच माइनस हुआ, तो ऊपर से हमारी स्टिच यहाँ पे आएगी और यहाँ से हमारी स्टिच यहाँ पे आएगी, तो फ्रंट का हमारा ज्यादा रहेगा और सॉरी फ्रंट का हमारा नेक कम रहेगा विड्थ में, और बैक का हमारा ज्यादा रहेगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, देखिए साइड की सिलाई को भी हमें छोड़ना है और ऊपर से सिलाई को भी हमें छोड़ना है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, ये हमारा है 6.25, जो बैक का है मेरा 6.25 का 6.25 प्लस 6.25, तो हमारा है 12.5 इंचेस। 12.5 इंचेस प्लस हम 12 करेंगे 24.5, 33 में से 24.5 को हम माइनस करेंगे, 33 में से हम माइनस करेंगे 24.5 इंचेस को, 8.5 इंचेस, तो यहाँ पे भी हमें 8.5 इंचेस मिला है, और ये वाला भी हमें 8.5 इंचेस, ये वाला पार्ट हमें 8.5 और ये वाला पार्ट भी हमें 8.5। तो अभी ये जो पार्ट हमें मिला है इसका, ये तो हमें ओपन मिला है, इसको हमें हाफ करना है, 8.5 का हम हाफ करेंगे 4.25, यहां से लेके यहां तक ये हमें दो पार्ट में मिला, तो ये वाला पार्ट हमारा 4.25, ये भी हमारा 4.25 आया। तो अभी हम यहाँ पे देखिए ये हमें हाफ हाफ मिला है एक साइड का, यानी इतना हमें हाफ मिला है 4.25। तो अभी हम इस वाले पार्ट को डबल करके कट कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे तो हम डबल करके कट करेंगे, अभी हम 4.25 का भी हम हाफ करेंगे, 2.12 यानी 2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो 2 इंच के ऊपर एक लाइन होगा, तो वो 4.25 हो जाएगा हमारा जब हम उसको ओपन करेंगे, 4.25 हो जाएगा जब हम उसको ओपन करेंगे। अभी मैं इस वाले पॉइंट को आपको दोबारा क्लियर करूंगी, ये जो मेरा राउंड है वो 33 था, तो ऐसे मैंने फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पे चेक करके निकाला, जो बैक है मेरा वो 12.5 इंचेस है और फ्रंट जो है वो मेरा 12 इंचेस है, इसमें से मैंने 33 में से 24.5 यानी दोनों को ज्वाइंट किया और माइनस कर लिया, तो ये हमारा हाफ हो गया यहाँ पे इतना, ये हमारा बैक फ्रंट है, ये मेरा बैक है, और ये अभी सिंगल सिंगल है, तो हमें मिला 8.5, तो ये पूरा हमें 8.5 मिला, यानी हाफ करने से पहले
ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है वो हमें 8.5 मिला, तो 8.5 का भी मैंने हाफ कर लिया, 8.5 का मैंने हाफ कर लिया, 4.25, 4.25। अब ये यहां से लेके यहां तक सिंगल है, यहां से लेके यहां तक भी सिंगल है 4.25, लेकिन हम फैब्रिक को तो यहाँ पे डबल फोल्ड कट कर रहे हैं, तो 4.25 का हम हाफ लेंगे, 2 इंच के ऊपर एक लाइन। अभी देखिए यहाँ पे इतना मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा पूरा यहाँ पे माइनस होगा। मैं चाहूं तो यहां से भी 2.1 पे मार्क कर सकती हूँ, या फिर मैं यहां से भी मार्क कर सकती हूँ। इजी होगा कि आप अंदर वाले मार्क से ही करो, क्योंकि स्टिचिंग हमारी यहाँ पे ही होगी। तो 2.1 पे मैं एक मार्क करूंगी, 2.1 यहाँ पे मैंने एक मार्क किया, लेकिन हम हाफ इंच नीचे से करेंगे, 2.2 इंच के ऊपर एक लाइन, क्योंकि जो हमारी स्टिचिंग है वो नीचे आएगी, 2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अभी हम देखिए स्केल की इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और ये जितना भी क्रॉस जा रहा है इसको क्रॉस जाने देंगे, ये ऐसे क्रॉस किया। उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे विड्थ कितनी रखनी है, 1.5 का हम यहाँ पे बेल्ट रेडी रखेंगे, तो 1 इंच, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे, यानी 2.5 इंच का हम यहाँ पे बेल्ट लेंगे। तो यहाँ भी हम 2.5 और 2.5 पे हम मार्क कर देंगे, ऐसे करके हमारा जो ये बेल्ट है वो आ जाएगा। अभी हम यहां से देखिए ऊपर का मेजरमेंट है हमारा 2.2 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहां से ही सेम हाफ इंच ऊपर से हम चेक करेंगे, ये मेरा 3 इंच है। तो अभी हम देखिए इस वाले मार्क को हमें नोट करके रखना है, ये वाला मार्क है मेरा 2 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी जो हमारी ये स्ट्रिप है 2 इंच के ऊपर एक लाइन प्लस 2 इंच एक लाइन, तो ये आएगा मेरा 4.25। नीचे का जो मेरा मार्क है ये 3 इंच है, यानी 3 का डबल हुआ 6 इंच। तो यहाँ पे ये ऐसे 4.25 और ऐसे 6, तो ऐसे मेरा बेल्ट जो है वो क्रॉस में जाएगा, और ये वाले मार्क को हमें यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। ऐसे करके मेरा ऑफ शोल्डर आएगा। आप चाहे तो ये पट्टी को आप पूरा यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसको ट्रेस कर सकते हो, या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी वाली अगर आपको लेस अटैच करनी है इसको ऊपर से आप जॉइंट कर सकते हो। नीचे हमने ऑफ शोल्डर ऐड किया, ऊपर से आप इस पूरी पट्टी को यहाँ पे या कोई एम्ब्रॉयडरी वाली नीचे प्लेन रखेंगे, ऊपर जैसे मैंने पोस्ट डाला है हम सेम यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, सेम ऐसे करके राउंड शेप देंगे। इस वाली पूरी पट्टी को हम अलग से ऐड करेंगे, या फिर अगर आपको इस वाले पार्ट को यहाँ पे पूरा जॉइंट रखना है तो पूरे को जॉइंट रखेंगे। जॉइंट कैसे रखना है जॉइंट वाला वीडियो हम अलग से लेके आएंगे। अभी हम इस वाले पार्ट को अलग से कट करेंगे, इलास्टिक ऐड करेंगे इसके अंदर, और चुन्नट ना आए और हमारी बेल्ट यहाँ पे स्ट्रोंग रहे, तो हम इस टाइप से इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हम फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पे ये ऑफ शोल्डर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे से इसको माइनस करेंगे। ये वाला पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे से दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अभी बस साइड से माइनस करना बाकी है। सेम ऐसे ही अभी अभी हम यहाँ पे देखिए ये जो हमारी अंदर वाली लाइन है ये वाली, यहाँ से हम सेम लेंगे 2.2 इंच के ऊपर एक लाइन, 2 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अभी ये वाली लाइन जितनी भी हमारी यहाँ पे जितनी हमारी ये वाली लाइन यहाँ पे क्रॉस जाएगी इसको क्रॉस जाने देंगे, ये हमने क्रॉस जाने दिया। अभी सेम यहाँ पे इसको 2.5 इंचेस लेंगे, 1.5 का रेडी रहेगा, तो 2.5 यानी यहाँ पे ये वाला बेल्ट हमारा आ जाएगा। तो सेम हमारा देखिए 2 इंच के ऊपर एक लाइन, और ये हमारा फ्रंट का जो है वो 3.25 है, तो 3.25 है फ्रंट का जो हमारा बेल्ट है वो 3.25 है। इसको भी हम नोट करेंगे, जो दूसरे वाला हमारा बेल्ट है नीचे का 3.25 यानी 6.5 इंचेस है, 6.5 इंचेस, और ऊपर का हमारा 4.25। ऐसे हम फ्रंट और बैक
ये बैक का है और ये फ्रंट का है हमारा। इसको हम नोट डाउन करके रखेंगे, जब हमें फैब्रिक के ऊपर कट करना है तब हमारा ये मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अभी हम देखिए यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो हमारी ये नेक की स्ट्रेट लाइन है, नेक की जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और ये फ्रंट का जो हमने शेप दिया है, इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क किया और मार्क से हम 0.75 जितना बाहर की तरफ जाएंगे और इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। पॉइंट 75 या फिर 1 इंच जितना हम बाहर की तरफ जा सकते हैं, तो मैं 1 इंच जितना जाऊंगी क्योंकि मुझे शेप यहाँ पे 1 इंच पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो 0.75 नहीं, सेंटर से हम 1 इंच जितना बाहर की तरफ जाएंगे तो शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अभी हम साइड वाली में यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखिए साइड वाली लाइन में प्रिंसेस कट बनाएंगे। इस वाली लाइन का मैंने यहाँ पे सेंटर कर लिया है, सेंटर का भी अभी हम यहाँ पे सेंटर करेंगे और ये जो वेस्ट लाइन और सेंटर हमें मिला है इसका भी हम सेंटर करेंगे। आप चाहें तो इस वाली लाइन को ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं। तो अभी हम इस वाली लाइन से 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, यहाँ से 2 लाइन जितना और यहाँ पे कट टू कट, और इस वाले पॉइंट के साथ हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करके शेप दे देंगे। यहाँ पे हल्का सा हम राउंड शेप दे देंगे, ओनली 1 लाइन जितना। यहाँ पे भी हम शेप देंगे ताकि पॉइंट ना रहे हमारा कोई। अभी हम फ्रंट वाली डार्ट को चेक करेंगे, अभी हम फ्रंट वाली डार्ट को चेक करेंगे। ये हमारी 6 इंच में 1 लाइन कम है, तो दूसरे वाली लाइन भी हमारी 6 इंच में 1 लाइन कम होनी चाहिए। ये हमारा 1/2 इंच में 1 लाइन कम है, तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना रख सकते हैं और इस वाली लाइन के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और यहां से हम 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे सेंटर लाइन से। इस वाले पॉइंट के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो मोस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वाली डार्ट को हम यहाँ से, इस वाली डार्ट को हम पहले यहाँ तक कट करेंगे, फिर हम इसका सेंटर लेके और इसे 1 इंच बाहर की तरफ जाकर यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट लाइन हम ड्रॉ करके यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। अभी हम इस वाले डार्ट को मैं यहाँ पे डार्क करूंगी ताकि आपको पता लगे कि हमें किस वाले पॉइंट को कट करना है और किसको नहीं कट करना है। फिर हम बैक पार्ट को साइड से माइनस करेंगे। अभी हमने देखिए जो हमारा यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे जो हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था उसको मैंने कट कर लिया है, मेजरमेंट हमने लेके रख लिया है। इस वाले पॉइंट को हमने कट किया, इस वाले डार्ट को माइनस कर दिया, शोल्डर टू वेस्ट लाइन को हमने कट कर दिया, ये वाला पॉइंट हमारा ओके है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इससे इससे बाहर की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स का जो मार्क है, यानी शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स वाले मार्क को यहाँ पे मैंने डार्क कर लिया ताकि हम फैब्रिक पे ट्रेस कर पाए। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है इसको हम धीरे धीरे माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। अपेक्स पॉइंट से अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारा शेप है वो देखिए धीरे धीरे माइनस हो रहा है। तो फ्रंट पार्ट अभी हमारा रेडी है। यहाँ पे हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हम मार्जिन को ऐड करेंगे और मेन फैब्रिक को कैसे कट करना है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट को भी कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने देखिए 1/2 इंच नीचे अपने आर्म होल को ड्रॉ किया था। अभी ये जितना भी क्रॉस जाएगा यहाँ पे ऐसे, इसको हम क्रॉस जाने देंगे। ये हमने इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि दोनों नेक हमारे पैक हैं, तो हम 1/2 इंच जितना तो डाउन जाएंगे ही और नीचे वाले पार्ट को हमने ट्रेस नहीं किया है। नीचे वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे ऐसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस हमने कर लिया। उसके बाद अभी इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद अभी यहाँ पे देखेंगे कि साइड में जो हमारा मार्जिन है वो कितना है। यहाँ पे
ये हमारा हाफ इंच है, तो हम फ्रंट में 1 इंच जितना हम रख सकते हैं, इससे लेंथ में हमारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हम 0.75 जितना भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे किया और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो सेम ऐसे ही हमारा बैक पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से ही इसको कट करेंगे। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को यहाँ पे कैसे कट किया है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा कट कर लिया था, क्योंकि हमारा डार्ट था यहाँ पे, और ये जो माइनस था इसको भी हम सेम ऐसे ही कट करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई डार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज कट कर लिया। बैक पार्ट का फर्मा हमारा रेडी है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन था जहां से हमने मार्क किया। बैक पार्ट में हम हुक एंड आई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और फ्रंट में हम सेम ऐसे ही रखेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, और हमारा ये फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पे भी जितना हमारा एक्स्ट्रा है फर्मे में उसको हम कट करेंगे, फिर हम सेम लाइनिंग को ऐसे कट करके रखेंगे, और फिर हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी कट करके रखेंगे। और इसकी जो स्टिचिंग में चेंजेस है, यहाँ पे देखिए स्टिचिंग में हम एक पॉइंट देखेंगे कि जब भी हम यहाँ पे अपनी बेल्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई स्टिचिंग हमें दिखाई नहीं देगी। वो हमें स्टिच कैसे करना है, उसका प्रॉपर मेथड क्या है, और हम आर्म होल को कवर करेंगे तब उसके साथ हम इसको स्टिच करेंगे। तो वो दोनों तरीके, अगर आपको स्टिचिंग ऊपर दिखानी है या फिर नहीं दिखानी है, वो दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन मैं विदाउट जो स्टिचिंग हमारी ऊपर दिखाई ना दे, हम उसके अकॉर्डिंग इसको स्टिच करेंगे। तो अभी हम जो हमारा ब्लाउज है वो कट हो गया है। अभी हमने देखा कि ऑफ शोल्डर ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, फ्रंट और बैक पार्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम अस्तर को कैसे कट करना है, मेन फैब्रिक को कैसे कट करना है, और जो ऑफ शोल्डर को हम स्टिच करेंगे वहां पे हमारी कोई भी स्टिच दिखाई नहीं देगी, हम इस तरीके से अपना ऑफ शोल्डर स्टिच करेंगे। तो उस ट्रिक को हमें कैसे स्टिच करना है उसका वीडियो भी आपको एंड तक देखना है। और ऊपर का जो स्टिचिंग है, आप जो ऑफ शोल्डर है उसको इकट्ठे भी कट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अलग अलग भी पट्टी कट कर सकते हैं। हम अलग से पट्टी कट करके ऑफ शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे, ऊपर की तरफ हम इलास्टिक को ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा यहाँ पे ऑफ शोल्डर का जो पट्टी है वो थोड़ा थिक और थोड़ा सा हैवी दिखाई दे, और नीचे की तरफ ना झुका हुआ लगे। अगर पतला सा फैब्रिक रहेगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, अगर हम उसके अंदर इलास्टिक को ऐड करेंगे तो उसका लुक अच्छा आएगा। और उसमें हम कोई भी गैदर्स ऐड नहीं करेंगे, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें करना है। अगर आप इलास्टिक को थोड़ा सा लूज रखना चाहते हैं तो वहां पे भी हम उसको कर सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग को हमें कैसे देखना है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।